साथ नमस्कार कई सारे जो शिक्षक आती हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर ट्रांसफ़र के लिए तो उसके लिए किस किस साल में कितना पोस्ट खाली है उसके अनुसार से आपको अपना फार्म अप्लाई करना होता है या फिर भविष्य में अभी जो प्रमोशन होना है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस साल में चाहे तो पी एस हो एम एस हो एच एस हो और प्रधान पाठक है शिक्षक है या फिर व्याख्याता है उसका किस किस ताला में और कहाँ कहाँ पोस्टर रिक्त है उसकी जानकारी आपको आप ऑनलाइन कर दिया गया है उसको आप पोर्टल के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं उसको कैसे देखेंगे या देख लेते हैं तो सबसे पहले आपको जाना है सी जी स्कूल में ठीक है आपको वहाँ पर लॉगिन नहीं करना है बिना लॉगिन करें कर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपसे देखा जा रहा है आपको शिक्षक स्थानांतरण का दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे अब आपको सीधा डायरेक्ट सी जी डॉट इन की जो मुख्य वेबसाइट इसमें आपको पहुंचा दिया जाएगा ये देखिए जो टीचर इस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ पर वेबसाइट है इसमें हम आ चुके हैं अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है लॉग करना है ठीक है यहाँ पर आप लॉग किससे करेंगे जो आपके सी स्कूल का आई पासवर्ड है उससे आपको यहाँ पर लॉग करना होगा लॉग इन करूँगा मैं अब देखिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब आपको पूरी जानकारी क्या करना होगा यहाँ पर जो तीन लकड़ दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है ठीक है जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से बहुत सारा नया ऑप्शन जोड़ा गया जो आपको दिखाई देगा ठीक है अपना प्रोफाइल देखें यहाँ पर जो ट्रांसफ़र का जो आवेदन करना है इसके माध्यम से कर सकते हैं यहाँ पर से आप जो है आपने जो आवेदन किया है स्थानांतरण के लिए ट्रांसफर के लिए उसकी स्थिति को पता कर सकते हैं यहाँ पर आदेश मिला है तो आदेश को यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर प्रतिविन का आवेदन करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं आपसी ट्रांसफर है उसका भी आवेदन यहाँ पर दिया है उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर दिया है हमको किन स्कूलों में कितना पोस्ट खाली है इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर रिपोर्ट दिया है इसमें आपको क्लिक करना जैसे रिपोर्ट करेंगे यहाँ पर आप सारे स्कूल में रिक्त पद इसमें क्लिक करेंगे अब देखिए जैसे जैसे आएगा बेक में बैकग्राउंड में वो आ चुका है अब यहाँ पर जो कट कर निशान उसमें तो क्लिक कर देंगे ये देखिए अब यहाँ पर आप क्या करना है स्कूल का प्रकार चयन करना है जैसे उसमें सिलेक्ट करेंगे ये देखिए पूरा प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल तो इन चारों प्रकार के स्कूलों में कहाँ कहाँ पोस्ट खाली है उसको आप देख सकते हैं जैसे मालूम को देखना है प्राइमरी स्कूल का यहाँ पर क्लिक कर दूंगा मैं उसके बाद यहाँ पर करना आपको जिला किस जिला के अंतर्गत आप देखना चाहते हैं उसको आप पता कर सकते हैं मान लो यहाँ पर चलता हूँ करियरिया बंद कर लिया मैंने और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना आपको विकास का अब उस जिला के अंतर्गत इन विकास खंड में से किसका आप देखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें मैंने आपका गिरियाबंद कर लिया उसके बाद संकुल यदि आप पूरा सभी संकुल का देखना चाहते हैं गिरियाबंद के तो सभी रहने दें यदि आप संकुल वाइज देखना चाहते हैं तो पूरा यहाँ पर संकुल निकल के आ जाएगा आप अलग अलग संकुल कर्मचारी इसको देख सकते हैं जैसे मान लो मैं सभी को क्लिक कर लिया है अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं देख करूँगा जैसे देखे करूँगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे में कुछ रिपोर्ट आ चुका है ये यह देखिए यहाँ पर जिला का नाम लिखा है ये खंड का नाम है और उसके बाद इधर जो लिखा है संकुल का है और उस संकुल में आ, किस स्कूल का यहाँ पर खाली है यहाँ पर यूडाइस कोड दिया है ठीक है उसके बाद यहाँ पर दिया स्कूल का नेम ठीक अब उसके बाद समझेंगे और जो दिया है क्या दिया है अब उसके बाद यहाँ पर दिया है हेडमास्टर सेंक्शन मैंने सेंक्शन यहाँ पर कितना है एक प्रधान पाठक चाहिए यहाँ पर दिया है उसके बाद क्या दिया है आ, कितने असिस्टेंट टीचर जो है वहाँ पर सेंक्शन किया गया यहाँ पर दो किए गए मान लो उसके बाद नंबर ऑफ़ हेडमास्टर कितने हेडमास्टर वहाँ तो पर कार्यरत है तो यहाँ पर कार्यरत जीरो है अर्थात वहाँ प्रधान पाठक नहीं है ठीक है यहाँ पर इस प्रकार से पता कर सकते हो और वहाँ पर जो टीचर है असिस्टेंट टीचर कितने हैं यहाँ पर दो काम कार्यरत है और उसके बाद यहाँ पर अदर टीचर नहीं है और उसके बाद वेकेंट जो सीट है वेकेंट पद है यहाँ पर दिया जैसे प्रधान पाठक का पोस्ट वहाँ पर खाली है ठीक है जिस संकुल को मैं देख रहा हूँ उसके बाद है वेकेंट नंबर ऑफ टीचर टीचर के यहाँ पर खाली नहीं है उसी प्रकार से यहाँ पर जिस संकुल का जिस स्कूल का आप देखना चाहते हैं इस प्रकार से जानकारी ले सकते हैं जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कर लिया देखिए यहाँ पर जो है सेंक्शन यहाँ पर प्रधान पाठक एक है या सहायता चकल दो है तो उसमें से तो प्रधान पाठक नहीं है सहाय शिक्षक दो कार्य थे और उसके बाद यहाँ पर जो दिया है सेंक्शन जो प्रधान पाठक का एक दिया है यहाँ पर जो है वेकेंड जो है प्रधान पाठक का एक है।, है उसके लिए आप जो कहाँ का पोस्ट खाली देखिए यहाँ पर कहाँ का पोस्ट खाली कौन से स्कूल में ए टी का सहाय शिक्षक का शिक्षक का लेक्चर का आसानी से आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं चाहे आपके स्थानांतरण के लिए हो चाहे प्रमोशन के लिए हो